नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। गणतंत्र दिवस पर कलेक्टर अभय प्रसाद द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन जारी। अधिक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण मिल सकेगा। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज और संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में देश के शीर्ष विशेषज्ञ संस्थाओं के साइबर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी जैसे रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 700 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र घोषित किए जाकर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 में रोजगार मेलाओं के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए अगले वित्तीय वर्ष में महिला स्व सहायता समूह को 3,700 करोड़ से अधिक का दायित्व लेंगे तथा लाडली शक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यवसाय हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर 1,00,000 रुपए तक की बैंक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। महिला स्व सहायता समूह द्वारा प्रदेश में 144 डीडी कैफे सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती संपदाओं से संपन्न है और यहाँ औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि उद्यम सफल हो जाए तो वह साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना देते हैं और जहाँ सक्षम व्यक्ति उद्योग लगा ले तो क्षेत्र के विकास का नक्शा ही बदल जाता है।